फैक्टराइज करके क्या आया? हाँ भाई, एक्स माइनस वन फैक्टर तो पक्का होगा, बाकी पूरा कंप्लीटली फैक्टराइज होके क्या आएगा? अक्षी का फैक्टराइज हुआ बेटा, प्रिंस हर्ष, किसी का भी भाई, जागृति, काव्य, रिया, तमन्ना, बेटा किसी का भी फैक्टराइज नहीं हुआ डिनोमिनेटर। सर एक्स माइनस वन होल क्यूब इनटू एक्स प्लस वन। ठीक है भाई, यार जिनका फैक्टराइज नहीं हुआ तो यार ये तो गड़बड़ है ना, इतना इजी था ये तो, साफ दिख रहा है भाई। पेयरिंग करके फैक्टराइज कर दूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब कॉमन लोगे, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस टू प्लस का, अच्छा सेम नहीं आ रहा भाई, आ जाएगा डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा, या हम इधर उधर पेयरिंग कर सकते हैं, इसको इस तरह पेयर कर दें, एक्स फोर माइनस वन माइनस का टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस का टू एक्स कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो भाई ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आ गया भाई? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन फैक्टराइज होकर कॉमन आ गया भाग, और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होता है ना। तो तुमने क्या बोला भाई? एक्स माइनस वन का होल क्यूब टाइम्स एक्स प्लस वन है ना, ठीक है, यही आ रहा है काफी। हाँ काफी यही आ रहा है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब और एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई। थोड़ा लग आया, शायद गलती करती होगी, मैं चेक करता। नहीं, मेरा भी तो यही आ रहा है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, मेरा भी यही आ रहा है, गलती कर दी, ऐसा क्यों लग रहा है गलती कर दी? अच्छा आपके आपके पहले वो एक्स प्लस वन है, मेरे को लगा स्टार्टिंग वाला भी एक्स माइनस वन ही। नहीं, मेरा वही तो आ रहा है, एक्स एक्स माइनस वन एक है और एक और दो और भी तो लिखे हैं, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन एक आ रहा है। तो भाई यार ओके सर, ये फैक्टराइज करने में कितना टाइम लगेगा यार, अगर इसमें तुम टाइम लगा रहे हो? अब कई बच्चा पता क्या करेंगे, इसमें ऐसे करने बैठ जाएंगे, एक्स माइनस वन से इस पूरे फोर वाले को डिवाइड करने बैठ जाएंगे, कोशेंट आएगा वो क्यूबिक आएगा, फिर क्यूबिक को भी सोचते रहेंगे क्या कैसे फैक्टराइज करें। तो यार इतना टाइम नहीं है, मतलब एकदम जल्दी से समझ पाना चाहिए। ये तो तुमने यार मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में जब थे 8 9 में तब सीखा होगा फैक्टराइज करना, ऐसे क्वेश्चन कि भाई पहले दो को पेयर अप कर दो, सब में से कुछ कॉमन नहीं है तो, या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है तो फिर पेयरिंग एडजस्ट कर दी मैंने, एक्स फोर के साथ माइनस वन लिख दिया, माइनस टू एक्स क्यूब के साथ टू एक्स लिख दिया, तो ये तो आना चाहिए भाई, एक्स माइनस वन का। अब जिन बच्चों को भाई ये समझ ही नहीं आ रहा था, 1 मिनट दिया 1.5 मिनट दिया, अगर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा तुम्हारे से छोड़ दो फिर इस क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट मत करो। एक्स माइनस वन का होल क्यूब आ गया इंटू में एक एक्स प्लस वन आ गया, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी फैक्टराइज करके लिख दो क्या आएगा? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अच्छा थोड़ा सा मुझे हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए सॉल्व करने में, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि भाई देखो ऐसे होगा, जब पेपर में कर रहे हो तो आप किसी को समझाते हो ना, अपने आप को समझाना, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कितना लिखना है। तो मैं लग रहा है कि नीचे अगर क्यूब आ रहा है और ऊपर एक एक्स माइनस वन आएगा, कट जाएगा एक पावर है ना, तो ये भाई इससे कट जाएगी, यहाँ स्क्वायर बचेगा और ये पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा? मेरा बचा है भाई साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड में बचा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बस ये आ गया। अब क्या करें भाई, जल्दी बल्दी फटाफट, अगर हम डायरेक्टली वन कर देंगे तो जीरो आ जाएगा नीचे और ऊपर भी साइन जीरो, स्क्वायर पाई एक्स को साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स लिखेंगे। ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पे क्या करते हैं, एक्स माइनस वन कर देंगे, क्या करें भी दोबारा बोलो काफी। साइन स्क्वायर पाई एक्स को साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स लिख लेंगे, फिर वो नहीं मतलब एंगल एक जीरो मिनट बन एक जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना एलियन दिमाग कैसे चल गया भी तुम्हारा कि ऐसे कर देंगे? किए हैं मैंने काफी क्वेश्चंस जिनमें साइन के अंदर पाई हाँ बनता है, तो ऐसा करना होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कहीं पर कई बार तुमने ऐसा करा हुआ है ना। यस सर, काव्य कह रहा है भाई ऐसे कर दो, देखो काव्य कह रहा है कि जो पाई
पाई एक्स लिखा हुआ है उसको तुम कह रहे हो पाई माइनस पाई एक्स लिखना है ना? यस सर। ठीक है। और काफी कह रहा है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसा करा है तो सॉल्व हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस करने से काफी को पता है कि हाँ भी ऐसे करने से आंसर आ जाएगा जो नहीं आएगा। अच्छा बाय चांस किसी के दिमाग में नहीं आता तो ऐसा नहीं कि जो काव्य बोल रहा है जैसे करना ही है कि भाई ऐसे क्यों लिखा, मतलब ठीक है वैसे साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है तो काव्य इसलिए ऐसा लिख रहा है ठीक है, पर उसका पर्पज क्या है ये समझो, क्या पर्पज अभी काव्य बता दो। अब एंगल टेंडिंग टू जीरो है तो वो हम यूज कर सकते हैं। तुम कह रहे हो कि अगर ऐसा हो, ये ऐसा आ गया ना, इसको भी तुम कैसा लिख लोगे, ऐसा लिख लोगे एक्स माइनस वन करके ही लिख लोगे राइट, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। ठीक है भाई स्क्वायर था ना, साइन का स्क्वायर था तो नेगेटिव भी अगर आएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई एक्स लिख दो या पाई एक्स माइनस पाई लिख दो एक ही बात। ठीक है भाई सभी को क्लियर है? अब हमने नोटिस करा कि जो एक्स की वैल्यू अगर वन अप्रोच करेगी तो एक्स माइनस वन कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो, तो पाई टाइम्स एक्स माइनस वन भी कहाँ जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन ऊपर एंगल में पाई लिखा हुआ है, नीचे स्क्वायर तो है लेकिन पाई नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं नीचे पाई स्क्वायर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड है ना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा मेरा वन हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा भाई पाई स्क्वायर। क्लियर है, बोलो भाई सभी को क्लियर है? आए बेटा सभी समझ में? प्रेम सक्षिका आया बेटा समझ में? जागृति? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा तुम्हें ये वाला स्टेप अजीब लग रहा है सभी को, ये वाला स्टेप ये सभी को अजीब लग रहा है? नो सर नहीं लग रहा, मुझे तो अजीब लग रहा है सर। नहीं मतलब भी, मतलब ऐसे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा ना, रहन दो फिर कोई बात नहीं, तो दूसरे तरीके से कर लो भाई, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, एल ऑपरेटर रूल भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं? यस सर। एल ऑपरेटर रूल लगा दो, बोलो भूल जाओ ये वाला, कई बच्चों को भी ट्रिकी लगा होगा जिन्होंने नहीं करा हुआ कुछ, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी हुई उनको ये वाला लग रहा होगा कि ऐसे कैसे लिख लिया सर ने पाई माइनस पाई एक्स, मतलब ठीक है कि पाई माइनस पाई एक्स आएगा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो वही आता है ना, साइन थीटा ही आता है, पर ऐसा नहीं लिखते थे, एल ऑपरेटर लगा लो यार और भी इजी हो जाएगा, साइन स्क्वायर का क्या आएगा 2 साइन पाई एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और फिर पाई एक्स का पाई एक्स है ना, और डिवाइड में क्या आएगा 2 एक्स माइनस 1, बस एक बार और करना है क्योंकि अभी भी 0.0 आ जाएगा, तो अब कैसे करोगे इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साइन 2 पाई एक्स लिख सकता हूँ, बताओ भाई ठीक है भाई, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, अब इसका एक और बार डेरिवेटिव लिख दो क्या आएगा, साइन का आएगा कॉस 2 पाई एक्स और 2 पाई आएगा मल्टीप्लाई में, और पाई तो पहले चल ही रहा है, और डिवाइड में क्या आएगा 2 एक्स का 1 1 का 0, 2 से 2 काट दो, पाई इंटू पाई कितना हो गया पाई स्क्वायर, और कॉस 0 पे क्या होता है 1, आया भी समझ में सभी को? यस सर। यार भाई एल ऑपरेटर रूल मतलब बहुत काम आता है, 90% क्वेश्चन अगर मैं कहूँगा 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर हम प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल वगैरह लगा दें तो थोड़ा सा क्या होता है लेंदी हो जाता है, मतलब ऐसा तो समझ में आ जाता है कि भाई रूट अजीब सी टर्म्स लिखी होती है कि पहला डेरिवेटिव होगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाकर, फिर मैं और डेरिवेटिव करूँगा तो और बहुत बड़ा होता जाएगा, तो उस केसेस में अवॉइड करो रूल ठीक है, पर 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब जैसे इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा था कि भाई इस स्टेप के बाद क्या करें समझ ही नहीं आ रहा भाई ऐसे कर दो क्लियर आया भी, अब दोनों अप्रोच है मेरे पास, जैसे काफी ने बताया ये वाला और एक ये वाला जो मेरा एल ऑपरेटर मैं कराता आ रहा हूँ जब से, तो यही वाला हम ज्यादातर यूज करते थे, मैं दोनों अप्रोच से समझ में आ रहा था, और ये बात मतलब यहीं पर ही देख कर समझ में आ जानी चाहिए कि यार एल ऑपरेटर अगर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, मुझे समझ में आ रहा है कि नीचे दो बार करना पड़ेगा 2x-1 आएगा और फिर एक बार करेंगे तो हट जाएगा x, और ऊपर जब करेंगे तो साइन 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी, और फिर साइन 2x में एक बार बता देंगे तो कॉस आएगा, और कॉस 0 पे क्या होता है पाई पे, यानी कि पाई पे या 0 पे क्या होगा हमारा, अच्छा पाई पे क्या होगा -1 आएगा,
लेकिन माइनस वन का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन ही होगा। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट में आना चाहिए सभी को। अब मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तुम खुद बताना इनमें से कितने मुश्किल थे, मतलब ये पेपर के ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो एक होता ना कि हम एनालिसिस ले रहे कि भाई कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जिनमें हमें देख कर ही पता लग रहा था यार क्या करूँ। एक्स माइनस 2/3 लिखा है, वाई माइनस 2/4 लिखा है, जेड माइनस 6/2, ये हमें क्या दिया भाई, लाइन दी है, कह रहा है इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, प्लेन दिया हुआ है 2x + 4y + 3z, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बस बता देना क्या करेंगे इसमें एट पी, और कहा है कि फाइंड करो ओपी, ये वाला क्वेश्चन बता दो एक बार देख कर कि सबसे पहले मुझे बता दो पी पॉइंट निकल जाएगा भी इंटरसेक्शन पॉइंट, सभी को आता है कैसे निकालते हैं, लाइन वाले को हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, तो कोई भी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैसा होगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसको पी की जगह कुछ और मान लो, प्लेन को भी हमने पी मान लिया, इसको ए मान लिया, तो कोई भी लाइन पर अगर पॉइंट होगा तो वो कैसा होगा भाई, लाइन पर एक कोई भी पॉइंट ऐसा होगा 3k + 2, 4k + 2, 2k + 2, और ये पॉइंट कहाँ पुट कर दोगे भाई, प्लेन के साथ सेटिस्फाई करा दोगे राइट? यस सर। क्लियर है? और जो पॉइंट जो k की वैल्यू आएगी उससे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी। इजी था, एवरेज था, डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन अगर बच्चे को एपी का है क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं 10th क्लास वाले बच्चे को भी दू तो वो भी कर ले। क्वेश्चन था, सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले वाला पहला सीक्वेंस कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब एपी है 3, 6, 9 चलता जा रहा है कहां तक, 78 टर्म्स, और सीक्वेंस 2 जो है वो कुछ ऐसा है, 2 सीक्वेंस 2 है 5, 9, कितने कितने चार चार का डिफरेंस है, 5, 9, 13, 50, 9 टर्म्स, मतलब 78 लास्ट टर्म नहीं है, 78 टर्म्स है ये टोटल ऐसे यहाँ तक, और जो दूसरे वाला सीक्वेंस है वो 59 टर्म्स तक है ऐसे। अब वो कह रहा है क्या, find the sum of all common terms, मतलब कह रहा है कि दोनों की जितनी भी common terms होंगी उन सब का sum करो, तो common terms का sum करने का मतलब है बहुत सारी terms आएंगी शायद, अब जो वो बहुत सारी terms आएंगी तो उनका sum अगर करना है तो individually को नहीं करना होगा, वो भी कुछ series बन रहा होगा, मतलब या तो AP बन जाएगा, HP बन जाएगा, कुछ special बन जाएगा, तो वो observe करना है, तो पहले कोई बताएगा मुझे common terms कौन कौन सी आएंगी, एक काम करो पहले इसकी 78 टर्म निकाल दो इधर क्या आएगी जल्दी से बताओ, और इसकी 59 टर्म निकाल दो बताओ, क्योंकि जब तक एक टर्म देख लेते हैं कि आती क्या है, हम फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक जाना है, तो बताएगा 78 टर्म क्या आएगी इसकी, 3 + 77 × 3 कितना आएगा भाई, 334 नेक्स्ट पक्का ही आ रहा है, 334 बना रहा हूँ, 234 मेरा 234 हाँ ठीक है, ठीक है 234 ठीक है, मैं तो 3 से तो डिवाइडिंग हूँ 59 ठीक है, नेक्स्ट बताओ 59 टर्म क्या आएगी, 237 यहाँ तक कुछ ऐसा मैंने नहीं करा कि जो कुछ बहुत ही कुछ एलियन सा कर दिया और सिंपल सा लॉजिक है कि हम भी निकाल लेंगे। अच्छा तो ये समझ में आ गया कि 234 और 237 में से 234 छोटा है, तो इसका मतलब समझ में आ गया अगर कोई कॉमन टर्म लास्ट वाली होगी तो 234 हो सकती है, 237 तो नहीं हो सकती, या तो 234 होगा या उससे कम ही होगी कॉमन टर्म, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यार कॉमन टर्म दो ढूंढ लो, दो या तीन ढूंढ लो, उसके बाद तुम्हें कुछ सीरीज मिल जाएगी, शायद एपी होगा क्योंकि दोनों एपी है तो इनकी कॉमन टर्म्स का भी एपी बन रहा होगा, तो पहली टर्म दिख रही है, पहली टर्म तो लिखी हुई है, इन्होंने कितना अच्छा दे दिया, तो दे दिया 9 कॉमन दिख रहा था मुझे, तो मैं कॉमन टर्म वाला लिख रहा हूँ, देखता हूँ शायद एपी बनेगा, तो पहले वाला 9 आ गया, दूसरा कोई बताएगा जल्दी से, 3-4 टर्म लिख लो, 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18 क्या आएगा, 18 आ रहा है,
चार बढ़ गया, चार बढ़ गया, 17 आएगा भाई, 17 के बाद क्या आएगा 21, फिर 25, इसमें क्या आएगा 21, 21 आ गया भाई कॉमन दोनों में, ठीक है। यस सर, एक टर्म और लिख लो, एक टर्म और निकालने पर ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई एपी है या नहीं, एपी होगा वैसे तो, लेकिन देख लो बताओ क्या आएगी, 24, 27, 30, 33, 36 चलता रहेगा इसमें, और ये वाला 29, 33, ठीक है भाई। बोलो भाई कितने का डिफरेंस है, 12 भाई, ए है 9, बी है हमारा 12, अब ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये टर्म्स मुझे ढूंढनी है कितनी होंगी, तो मुझे तो कंफर्म है कि इसकी जो लास्ट टर्म होगी, इसकी लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट टर्म जो होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी क्या 234, है ना, इस बात तो क्लियर है, 234 से कम होगा, तो 234 क्या इनकी कॉमन टर्म होगी, मतलब जो लिख रहा हूँ ये भी, तो भाई मेरा ए है 9, बी है 12, और 234 एक बार रख लो, 234 रख कर देख लो भाई आ रहा है नहीं आ रहा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 12 होगा ही नहीं, है ना भाई, तो यानी 234 तो नहीं होगी, तो लास्ट टर्म फिर क्या आएगी जल्दी से बताओ, यहीं से पता लग जाएगा, वैसे इसको फ्रैक्शन में भी निकाल के सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, 25 प्लस 12 प्लस 1, हमारी ये वाली टर्म आ रही है, बट ये वाली टर्म होगी नहीं क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आ रहा है तो इससे जस्ट पहले वाला आंसर होगा जो टर्म होगी, बताओ कितनी आ रही है, 12 से डिवाइड करके डेसिमल में बताओ कितना आएगा, रफली बता दो कितना आ रहा है, पूरा मत बताओ, तो अगर वो कह रहा है कि 234 जो है वो 19 पॉइंट समथिंग वाली टर्म है तो वो तो होगी नहीं, तो भाई कहां तक जाएंगे मैक्सिमम, 19 तक ही जाना पड़ेगा, अब तुम्हें 19 टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, तुम्हें तो सम से मतलब है, 19 टर्म का सम निकालना है, 19 बाय 2 ट्वाइस ऑफ ए, ये कितना है 19 प्लस 18 इनटू डी 12, खत्म, मतलब टाइम वेस्ट मत करने बैठ जाना कि 234 से पहले वाली टर्म क्या थी, वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन था इजी, मतलब इजी इन द सेंस एवरेज था, लेकिन टाइम लग रहा है, मतलब इसमें 2 मिनट जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से करोगे आराम से सोच समझ के, तो 2 मिनट लग जाएंगे, 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। पर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ओलंपियाड जैसे होते हैं 9th 10th के, तो अगर 10th क्लास वाले बच्चों को ओलंपियाड वाले भी या सीबीएसई अगर बोर्ड वाले पेपर भी डालूं तो मैं डाल सकता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन टफ तो आते ही, तो मतलब ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है ना भाई, मतलब कि 10th में भी नहीं दे सकते वाला क्वेश्चन, दे सकते हैं ना, है भाई एग्री करते हो, कोई भी हाँ नहीं बता है, टफ था क्या भाई बताओ ये क्वेश्चन, नो सर लॉजिक नहीं ना, मतलब ठीक है मॉडरेट सा है, इजी भी है, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, मतलब जैसे हम निकालेंगे तो 234 नहीं आ रहा, उससे पहले वाला सोचना पड़ेगा कि 19 तक ही जाना है, और अब जैसे मैं टाइम बचा रहा हूँ कि भाई मैं 234 से पहले 19 टर्म निकाल के नहीं देख रहा कि क्या मुझे मतलब ही नहीं, मुझे भाई ए मिल गया डी मिल गया और ये पता लग गया टोटल टर्म्स कितनी आएंगी कॉमन, मेरा काम चल गया बस, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे निकालना है, ये ना हो कि मैं पता नहीं कोई चीज़ ऐसी निकाले जा रहा हूँ जिसका यूज ही नहीं, और मैंने बताया था 2-2 मिनट बहुत मतलब कीमती है, ठीक है, खेलोगे सब बेटा, एक्सप्लेनेशन क्लियर है सभी को, अब एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन लेट से दे रखा है, सीरीज का सम दिया हुआ है और सीरीज ऐसे दिया हुआ है 1+, मतलब तुम्हें देख कर ही समझ में आ जाएगा वैसे कि कौन सा टाइप है, और थोड़ा सा वर्किंग कराएगा, मतलब इतना ईजी नहीं देगा कि एकदम ही बच्चे निकाल दें, ये दे रखा है और ये कहाँ तक डॉट डॉट लिख दिया, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, दे रखा है ऐसे, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, इस इन्फिनिटी को देखकर ये बात कन्फर्म हो जाती है कि कुछ मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि देखकर जीपी तो नहीं समझ पा रहा, जीपी तो नहीं है, तो ए जीपी कुछ ऐसा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब सम पूछा है तो पक्का इनफाइनाइट जीपी वाली पक्का बनेगी इसमें, मतलब वो फॉर्मूला तो पक्का लगेगा, तो ये बात देखकर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी कुछ समझ में आ गया कि भाई जीपी इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ए जीपी वाले में याद है क्या करते थे, इसका आर दिख रहा होगा तो
आर दिख रहा होगा किसी भी कुछ, है ना। अच्छा इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हैं वो एपी में भी नहीं है, एक चीज नोट करो, तो एपी में नहीं है जो ऊपर लिखे हैं। तो चलो करते हैं, मतलब आर तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं 1, 5, 10, 16 को हटा दूँ तो वो जीपी दिख रही है मुझे, तो इसमें आर मेरे को दिख रहा है 1/6, तो मैं 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ चाहिए कि बेटा सभी को पता है। ऐसा करते हैं, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, और 1/6 से मल्टीप्लाई कर कर 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करा 1/6 से, 1/6 5/6 को मल्टीप्लाई करोगे 5/6 को, फिर आएगा 10/6, क्यों वैसे चलता रहेगा। ठीक है, इमीडिएट तक जाएगा ये। अब क्या करें, माइनस करते हैं ना, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई 5/6 ऐसा आएगा, क्लियर है। कितना बचा, 1 को छोड़ दो, इनको माइनस करते रहो, करो कितना आएगा, ये आएगा 4/6, आएगा 4/6 स्क्वायर प्लस का 6/6 क्यूब। एक प्रॉब्लम हो गई, ऐसा लग रहा था शायद सॉल्व हो जाता, 5 - 1 4 आ गया, 10 - 5 मैंने 5 की जगह 4 लिख दिया, 5 5। हाँ, यानी कि अब ये एपी में आ रहा है, मतलब जो पहले नहीं था अब आ रहा है एपी में, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है अब वो एपी में आ रही है। तो क्वेश्चन जो होता था ना एजीपी पर जो हम करते थे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला, उसमें एक एपी होता था जीपी होता था, तो वो यहाँ से दिया होता था, यहाँ से कि ऊपर वाली टर्म हमारी, अच्छा ऊपर वाली टर्म में 1 को एक्सक्लूड कर दूँ तो ऊपर वाली टर्म अब एपी में आएगी, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेगा। तो लेकिन वो यहाँ से दिया होता था क्वेश्चन, इसने क्या करा 2 स्टेप एक्स्ट्रा करा दिया, मतलब पहले हमने माइनस किया अब जाकर एपी बन रहा है, तो इसमें भी अभी दोबारा करना पड़ेगा क्या, बताओ क्या करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, बताओ भी आगे समझ में। इनको माइनस कर लो, 5/6 एस में से 5/36 एस माइनस कर लो, जो भी आएगा कॉमन एस के साथ, और ये तुम्हें 1 के अलावा माइनस कर कर क्या आएगा भाई 1+, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, इसके साथ क्या माइनस करना था, ये मेरे 1 क्यों लिख दिया, 1 नहीं आएगा, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्या गड़बड़ कर दी भाई, अच्छा मैंने माइनस करा ही नहीं अभी, हाँ सॉरी, अब माइनस कर दो, तो 1/6 1 को तो 1 ही रखो, 4/6 में से 1/6 माइनस करोगे 3/6, कुछ गड़बड़ होगी क्या, अच्छा 3/6 भाई अलग ही रखना पड़ेगा, 3/6 भी अलग चलेगा, क्या आएगा 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब, समझ में आ गई। पहली दो टर्म नहीं आएगी जीपी में, पहली दो टर्म अलग होंगी और यहाँ से जीपी बन गई हमारी इनफाइनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है a/(1 - 1), क्लियर है। यस बोलो भाई, सभी को क्लियर है बेटा, आया समझ में भाई, बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी सभी को भी, अक्षिका हर्ष आया बेटा समझ में, क्या किया हमने, ईशा हेमंत यार, यस सर नो सर कुछ तो बोला करो, कुछ बच्चे चुके रहते हैं। हाँ भाई आया समझ में, ठीक है, तो मतलब देखकर समझ में आ रहा था कि हाँ भाई एजीपी वाला कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें 2 बार हो गया, मतलब क्या हुआ हमें 2 बार 1/6 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाकर हमारा जो लास्ट में इनफाइनाइट जीपी वाला सीक्वेंस बना। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर इनफाइनाइट आ गया तो ये समझ जाओ ये तो निकलता ही नहीं है भाई, अगर इनफाइनाइट जीपी नहीं बन रहा जिसमें आर हमारा मॉड आर 1 से लेस नहीं है अगर, तो फिर निकाल ही नहीं सकते, फिर तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, बता ही नहीं सकते, या फिर वो कैंसिलेशन वाला कुछ बनता है, इसमें तो बनेगा नहीं कैंसिलेशन वाला, स्पेशल वाला दिख रहा है सीरीज वाला, नीचे 6 की बढ़ती जा रही है, तो इसमें ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जो कि इंस्क्राइब करा गया एक सर्कल में, अ ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल दे रखा है क्या, जल्दी से मुझे देखकर इसके सेंटर और रेडियस बता दो क्या होगा, √2x + y² + y = 0, जल्दी से बता दो इसका सेंटर कितना और रेडियस कितना है, बाकी बात भी पड़ेगी ध्यान से, सेंटर कितना और रेडियस कितना है, x² - √2x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। सर वन बाय रूट टू और माइनस वन बाय टू। वन बाय रूट टू पॉजिटिव का और माइनस का वन बाय टू। माइनस का वन बाय टू ठीक है। और जल्दी से रेडियस में बता दो, मतलब या तो ये तो यार बिना देख मतलब लिख कर ही आ जाना चाहिए कि अभी सेंटर कितना होगा रेडियस कितना होगा, इसको तो टाइम नहीं लगना चाहिए। रेडियस कितना होगा अभी रूट थ्री अपॉन टू, थ्री बाय फोर आएगा, थ्री बाय फोर का रूट रूट थ्री अपॉन टू। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब उसने क्या बोला, उसने कहा कि इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब करा गया, ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब, मैं बना नहीं था तुम अपना समझना क्या करना है, इंस्क्राइब लिखा सर्कल और दे रखा है क्या एंगल, एंगल दिया हुआ है, किसी एंगल के बारे में बात करी हुई है, एंगल ए बी सी, ए बी सी बोल दिया 90 डिग्री या बी ए सी सॉरी ए बी सी की जगह बी ए सी लिखा, एंगल बी ए सी दिया हुआ 90 डिग्री, और हमारे से क्या पूछ रहा है फाइंड करो एरिया ट्राइंगल ए बी सी का अगर एक और कंडीशन देगी ए बी की वैल्यू ढूंढ रही है, ट्राइंगल ढूंढना है ए बी सी का, ए बी की वैल्यू रूट टू है और बी ए सी 90 डिग्री। अब थोड़ा सा फिगर खुद बनाकर समझो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए बी है रूट टू और बी ए सी दिया हुआ है 90 डिग्री और इस सर्कल के अंदर ही है, मतलब सर्कल जो वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस ट्राइंगल को, मतलब ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है, बी ए सी 90 डिग्री है, ए बी रूट टू है और हमें एरिया बताना है। अब एरिया निकालने के ट्राइंगल के बहुत सारे तरीके, हाफ बेस डिवाइड लॉन्स फॉर्मूला बहुत सारे तरीके, तो वो क्वेश्चन के फिगर पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा लगाना है। तो पहले फिगर बनाओ, क्योंकि अब जो ट्राइंगल बनाओगे तभी समझ में आएगा, इन दो बातों को यूज करना तुम्हें, बाकी तो कुछ नहीं पता, सेंटर तो पता है मुझे कितना है, रेडियस भी आ गया मेरे पास, तो जो ट्राइंगल की साइड भी हुई एक ए बी रूट टू और बी ए सी दिया हुआ 90 डिग्री, इन दोनों से तुम्हें कंक्लूड करना है, अब इन दोनों बातों से जो समझ में आ रहा है वो सारी बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगा। सर वो वाली प्रॉपर्टी लिखा सकते हैं कि कोण से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, कोण से नहीं सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोण को बाइसेक्ट करता है, पर यार ये ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है बीएसी, मतलब ए वर्टेक्स पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस बात को कंक्लूड करो आराम से, सोचो क्या होगा ट्रायंगल जब आप बनाओगे और वो कह रहा है बीएसी 90 डिग्री है, बना दो, चलो मैंने बना दिया, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है क्या, ये सेंटर है ये ए है ये बी है ये सी है, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, इसको सी को सी की जगह कुछ और मान लो सी डैश मान लो सेंटर, बताओ ऐसा ट्रायंगल बना दूं मैं ये, ठीक है ऐसा बन सकता है भैया, तीन केस हैं, सेंटर जो दिया हुआ था ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ऐसा ट्राइंगल बन सकता है या फिर ऐसा बनेगा, बता दो मुझे, इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए या कोई सा भी हो सकता है, पक्का कंफर्म नहीं, बताओ भाई यार, सर्कल हमने करा है अच्छी तरह से, मैंने 9-10 की प्रॉपर्टी जो थी वो भी डिस्कस करेंगे, किसी को आया समझ में भी कैसा बनेगा, फर्स्ट वन बेटा रीजन भी बता दो, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, फर्स्ट वन क्यों बनेगा बेटा, रीजन दे दो, बिल्कुल सही बोला तुमने, क्या प्रॉपर्टी लगाई है तुमने इसमें सर्कल की, काव्य ने तो आंसर भी निकल दिया, काव्य बता भी दिया करो भाई, पहले वाला सर्कल होगा क्यों होगा भाई, पहले वाला हर शाप बताओ बेटा, आपने सही बोला पहले वाला ही होगा, क्यों होगा रीजन दे दो सबको, क्यों होगा फर्स्ट वाला, बाकी सभी को समझ में आया भाई फर्स्ट वाला क्यों है, यस सर रीजन दो भाई रीजन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अक्षय का आप बताओ बेटा, अक्षय का पहले वाला क्यों बनेगा, पहले वाला फिगर
अक्षी का रीजन तो बेटा क्या, पहले वाला क्यों बनाया हमने, ऐसा क्यों बनाया, डायमीटर के ऊपर ही क्यों होगा, तो इस सर्कल की एक प्रॉपर्टी भूल के सारे यार, सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना होता है, डायमीटर के ऊपर जब भी आप एंगल बनाओगे ऐसे कहीं पे भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर भी कैसा भी बना लो, हमेशा ये 90 होगी हमेशा। और अगर आप डायमीटर नहीं लेते, कॉर्ड लेते हो, लेट्स से डायमीटर आपका ये वाला नीचे वाला सेंटर है, यहाँ पर आप कहीं पर भी एंगल बना लो टेढ़ा मेढ़ा, कभी 90 नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा 90। ये प्रॉपर्टी है कि सेमी सर्कुलर भी एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्लियर है, याद रहेगा भाई। तो यस यार एक तो हो गया तुक्का कि भाई सर देखकर लग रहा है सर पहले वाला ही होना चाहिए, एक रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता होता है तो फिर हमें ये डर नहीं रहता कि भाई नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, क्योंकि जो बच्चे रिस्क ले रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग वाला रिस्क भी साथ में जुड़ जाता है, हो सकता है हमने गड़बड़ लगाया, ऑप्शन मिल गया हमें और हमने टिक कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। और इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन यार तुम्हें तो यार प्रॉपर्टी भी याद नहीं है, फिर कैसे करके आओगे पेपर में, तुम्हें प्रॉपर्टी भी याद नहीं आ रही, मतलब इतना मेरे को लग रहा था इजी क्वेश्चन है, तुमने बहुत टफ बना दिया भी। सेंटर ये था मेरा, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का यार क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जिसमें ए बी रूट टू दिया हुआ है, और ये तो बी सी तो डायमीटर है, बी सी डायमीटर कितना है भाई, और √3/2 का डबल कर दो रूट थ्री आएगा, ये पूरा का पूरा रूट थ्री है तुम्हारा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे बता दो तुमसे, क्या √3/√2 है? हाँ कितना आ रहा भाई, हाँ काफी कितना आ रहा बेटा, सर मेरा तो 1/√2 आ रहा है। 1/√2, बिल्कुल ठीक है भाई, 1/√2 ही आएगा, बता दो कैसे करा भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वो लगाएं यहाँ या कुछ और पर लगाएं, हाफ बेस इनटू हाइट पाइथागोरस से AC आ जाएगा ना। हाँ भाई राइट ट्राइंगल है ये, तो राइट ट्राइंगल में बेस मेरा ये है और यही हाइट हो जाएगी भाई, या जिसको मैंने हाइट दिया उसको बेस मान लो, दूसरे को हाइट मान लो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड मेरी 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है वही मेरी बेस और हाइट है, और प्रॉब्लम ये है कि हाइट पता है या बेस पता है दूसरी नहीं पता, तो यार ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो ये डायमीटर मुझे पता है यानी कि हाइपनेस पता है, हाइपनेस पता है तो फिर बेस निकल जाएगा ना भाई, क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से, और जब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा तो फिर आंसर आ गया, क्लियर है सभी को। हाँ सर BC को एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल, कैसे नहीं, वो तो डायमीटर से निकल गया ना, कोई और तरीका क्यों लगाऊंगी, बीसी तो वो डायमीटर है, रेडियस पता साइन है, फॉर्मूला से हाँ हाँ समझ गया, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ये मान लो 90 डिग्री भी नहीं होता, अगर दो साइड निकल जाती तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी होता है ना, अगर ये है ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं ना, ए बी साइन सी लिख दो, ए बी बी सी के साथ साइन ए लिख दो, और हाफ सी ए के साथ साइन बी लिख दो, है ना, याद है भाई। यस सर। अगर 90 नहीं होता तो ऐसे भी निकल जाता, अगर टू साइड पता है तो, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जो हम एरिया लिखते थे, पैरेललोग्राम में क्या लिखते थे, बस हाफ नहीं आता था याद है, हम क्या लिखते थे, दोनों साइडों का क्रॉस करके उसका मॉड लिख लेते थे, और मॉड क्या आता है, यही तो होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, हाफ नहीं लिखते थे क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ट्राइंगल का डबल हो जाता है, तो यही तो लिख रहे थे, ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है वो सेम ही तो है, बस हाफ हटा दो, ये एक मैं ट्राइंगल का ले रहा हूँ उस केस में, यहाँ पर पैरेलोग्राम बोल रहा हूँ, तो ए का मॉड मतलब पहली साइड का मॉड मतलब मॉडुलस मतलब उसकी लेंथ, और बी का मॉड मतलब सेकंड साइड की लेंथ, और साइन थीटा उनके बीच में एंगल, क्लियर है, आए सभी को समझ में भी भाई, यस सर। सर्कल सर्कल की प्रॉपर्टीज भूल गए हो क्या, बताओ नोट्स बना के भेजू कि भाई देखो ये सर्कल की प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि जो सर्कल तुम्हें पढ़ना है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पहले अगर तुम्हारा 9 10 का क्लियर नहीं है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं सर, सेंटर और रेडियस को हमें पता लग गया था, उसके बाद वाली जो कहानी थी वो तो 9 10 वाली कहानी है, कि भाई डायमीटर समझ में आ रहा है हमें, ये पता है कि सेमी सर्कल कितना 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भाई मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ, दो साइड पता है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकल गया, हमें पता ही हाफ बेस डिवाइड होता है, क्लियर है सभी को, बोलो भाई क्लियर है सभी को। तो यार ऐसे मत करो कि तुम लाइक कर रखे हैं तो सारी प्रॉपर्टीज बताई है भी, ऐसे करो तो तुझे क्या फायदा है पढ़ने में, रिकॉल करो, तभी तो मैं इतने दिनों से क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम जितना जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करो, बेसिक अपने फॉर्मूला, जैसे एक मैट्रिक्स का वो वाला होता है कि कंडीशन,
कितने टाइप के अलग अलग मैट्रिक्स हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, जो जो लाइक एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ए उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, भाई सारी जो भी चैप्टर रिवाइज करते हैं उसका सारा सारा माइंड मैप बना रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट था। अगर वो याद है तो सोच लो मतलब वो चैप्टर तुम्हारा 70% तो वैसे ही हो गया। जो डिफिकल्ट आएंगे वो उन क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जो एवरेज और ईजी है वो तो यार वैसे ही हो जाएंगे। और डिफिकल्ट कितना आएगा, डिफिकल्ट मैंने बताया 30% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब अगर मान लो 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 का 30% कर दो 1/3 के लगभग, तो 5-6-7 के 7 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो तो यार 25 में से 7 हटा दो 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो पूरे पूरे सही होने चाहिए, और वो तो ऐसे होंगे कि तुम्हें देखकर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर निकलाएंगे तुम्हें, और बाकी जो टाइम बच जाएगा वो यूज करना है उन क्वेश्चन में जो थोड़े ट्रिकी है, जिनमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट मैपिंग चल रहा है, इसमें सोचना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। पर इन क्वेश्चन में अगर टाइम लगा दोगे या नहीं निकालोगे तो फिर मार्क्स कैसे बनेंगे? और इसके लिए मैंने बोल दिया एक ही तरीका है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अब छोड़ दो, तुमने जितना आता है वो कर रखा है, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि भाई हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप बनाओ कि भाई ये इसमें ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे, अगर वो सारे के सारे याद हैं तभी क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएंगे, नहीं तो इतना ईजी क्वेश्चन जो था ये भी तुम्हें ऐसा लगेगा पेपर में, अभी तुम्हें समझा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ यार समझ में आ गया राइट ट्राइंगल और फिर आ गया आंसर, लेकिन जब भी पेपर में आ जाता है तब एकदम ही गुम हो जाते हैं कि क्या हो गया पर्टिकुलर, कि 90 डिग्री बोल रहा हूँ तो पता नहीं क्वाड और कॉन्टेक्ट पता नहीं क्या क्या जो सीखे हैं ना नई चीज़ें जो जेई के उसमें सीखे सिलेबस में वो चीज़ें लगाने बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या निकालना है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, कहने को सर्वे का क्वेश्चन है ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वही जो टॉपिक जेई वाले सीखे हमने उन्हीं पे बेस्ड आता है, सिंपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्कल का सेंटर पता है रेडियस पता है कि कैसे निकलता है उसी पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन पे, अच्छा इस बार दिया था पेपर किसी ने, किसी को याद होगा किसी के पेपर में शायद आया भी था, बाइनरी ऑपरेशन वाला आया था, मैंने याद है बाइनरी ऑपरेशन एक्सप्लेन कर दिया था, ऐसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ जाता है क्योंकि वो खुद बता देता है कि भाई ए एक्सपेक्ट बी, ऐसा बना देता है कभी कभी ऐसे बना देता है कभी ऐसे बना देता है कभी ऐसे बना देगा, मतलब वो इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं जो मैं बीच में लिख रहा हूँ ना, कभी जीरो लिख दिया कभी इस तरह से सिमिलैरिटी वाला साइन बना दिया कभी यूनियन बना दिया कभी इंटरसेक्शन बना दिया कभी एक्सट्रिक्स बना दिया, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसे। अब बाइनरी ऑपरेटर जो होता है मैथमेटिकल 4 ऑपरेटर हम लगाते हैं, प्लस लगाते हैं माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर पावर वाला भी होता है ऑपरेटर एलसीएम एचसीएफ, ये भी एक कोई हो गया ऑपरेशन हो गया दो चीज़ों पर, तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो वो बता देगा तुम्हें मतलब कहेगा कि डिफाइंड एज एस, ऐसे बोल देगा कि ए की वर्दी, या ऐसा बोल देगा ए एक्सपेक्ट बी इक्वल टू है ए माइनस टू बी, या ऐसे बोल देगा ए एक्सपेक्ट बी इक्वल टू है ए माइनस 3 की पावर b, मतलब कुछ भी दे देगा कुछ भी, लेकिन वो बता देगा पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक अलग से पढ़ना है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसा कुछ नहीं, बस ये तुम्हें बाइनरी ऑपरेशन क्या करेगा डिफाइन करके दे देगा भाई ये, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये निकालो ठीक है। वैसे मैंने क्लास में डिस्कस भी करा था, सभी को याद हो तो याद आ रहा है सभी को? यस कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, वैसे इसमें एक आइडेंटिटी करके और इनवर्स भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, उसके क्वेश्चन 3-4 करा दूंगा, क्योंकि दे दिया तो हो सकता है सेकंड सेशन वाले में पेपर में कोई बाइनरी ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए उसमें इनवर्स और आइडेंटिटी भी पूछ ले, तो आइडेंटिटी क्या होती है और इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है उसके लिए कंडीशन भी बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा ठीक है, मतलब 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा आ जाएगा, तो ऐसा टॉपिक नहीं कि एक दिन लगेगा पूरा दिन करने में, तो मेरी प्रैक्टिस कर दूंगी, 4-5 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था और रिलेशन पे आया हुआ, जैसे क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया इसमें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है एक्स वाई का एक्स वाई के साथ, मतलब एक सेट दे दिया ए जिसमें एक्स कॉमा वाई है, उसका ए सेट के साथ ही क्या करना है रिलेट करनी है एलिमेंट्स को, लेकिन बताया नहीं है, बोला है बस क्या होना चाहिए इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इस चीज की कि जो रिलेशन बने एक्स वाई का एक्स वाई के साथ वो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। क्वेश्चन वैसे इजी है बट इसमें एकदम नहीं आएगा आंसर, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि सिमेट्रिक भी बन जाए ट्रांजिटिव भी बन जाए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे जल्दी से टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? 4। अब देखो ये होता है कंक्लूजन पे जंप करना, राइट 2 into 2 4, तुमने 4 बोल दिया यार, रिलेशन बोल रहा है
ऑर्डर पेयर नहीं बोलता, तुमने ऑर्डर पेयर बताया मुझे, तुमने पता क्या बताया मुझे, ये अगर ए है और ये ए सेट है तो तुमने मुझे ए क्रॉस ए बताया कि ए क्रॉस ए में सर चार एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल ठीक है ए क्रॉस ए में चार एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जब रिलेशन बताते हैं भाई, रिलेशन ए क्रॉस ए पर कैसे बताए जाते हैं, रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ, अब देखो मैं कह रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है ना तो तुम कर नहीं पाओगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, भाई जो रिलेशन होते हैं वो एक, अगर ए सेट का ए सेट के साथ रिलेशन बनाया गया तो ए क्रॉस ए में चार ऑर्डर पेयर आएंगे, उन्हीं को आपने चार बोल दिया, मतलब एक्स कॉमा एक्स आएगा, एक्स कॉमा वाई आएगा, वाई कॉमा एक्स आएगा, वाई कॉमा वाई आएगा, चार एलिमेंट्स आएंगे, तो चार ऑर्डर पेयर आएंगे, उन्हीं को हम एलिमेंट बोल देंगे। अब जब मैं रिलेशन लिखने बैठूंगा तो जो रिलेशन होता है उनमें से मैं कोई सा भी सबसेट ले लूंगा ना भाई, ए क्रॉस ए में चार एलिमेंट्स हैं, चार ऑर्डर पेयर हैं, उन चार ऑर्डर पेयर में से मैं कुछ भी ले लूंगा, मतलब कोई सा भी सबसेट बना दूंगा, तो मेरे सबसेट में पूछना चाह रहा हूँ कि कितने बनेंगे, सबसेट कितने होंगे, समझ में आया कितने बनेंगे बता दो भाई। अच्छा नहीं समझ में आई बात जो मैंने बोली, रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, समझाऊं दोबारा, यस बोलो भैया सारे बच्चे बोलो, एक दो बच्चे नहीं, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बोलो भाई 16 होंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी को आया बड़ी समझ में कि ऐसा क्यों करा, काफी बच्चों की बाजी नहीं आ रही, दोबारा समझाई यार, एक ए सेट था जिसमें दो एलिमेंट थे सिर्फ, वन टू, ए क्रॉस ए करोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, ये चार ऑर्डर पेयर आएंगे ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ए का मतलब है ए से ही लिए गए दोनों एलिमेंट, मतलब एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर लेंगे हम वो ए सेट से ही लिया गया। अब मैं क्या ले सकता हूँ भाई, मैं ऐसा ले सकता हूँ, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सबसेट्स लिखो इसके, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे, टू की और फोर यानी 16 होंगे, जिसमें पाई भी नल सेट भी आए, तो यार जब मैं रिलेशन लिखने बैठूंगा तो उसमें कुछ कंडीशन तो दी नहीं है, उसने ये तो नहीं बोला ना कि भाई ये स्पेसिफिक रिलेशन है कि ए बी के इक्वल होना चाहिए, बी ए से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, वो कह रहा है कि कितने बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं भाई, जितने सबसेट्स होंगे उन्हीं में से मैं कुछ बना दूंगा रिलेशन, या उससे अलग कहीं हो सकता है, बताओ, बोलो भाई, जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वो कितने होंगे, वो उतने ही होंगे जितने सबसेट्स होंगे एक क्रॉस ए, बताओगे, क्लियर सभी को, यस सर, मतलब सोच के देखो ना यार, अगर आप दो चीजों को लिंक कर रहे हो तो उसमें क्या क्या रखना है, वो इससे बाहर कहां से ले आओगे भाई, क्योंकि जब रिलेशन बनना ही ए क्रॉस ए से है तो ए क्रॉस ए के ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर आप रिलेशन लिखोगे, अब वो कंडीशन क्या लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है भाई, कंडीशन तो मैं सोचता रहूंगा, कंडीशन तो मैं सोचने बैठूंगा, मैं कहूंगा मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो मैं कितने लिख पाऊंगा, टू की पावर फोर यानी 16 लिख पाऊंगा, जितने सबसेट्स हैं, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बना पाऊंगा अलग अलग, जिसमें से नल, जो नल सेट वाला एक रिलेशन है वो भी एक रिलेशन में काउंट कर रहा हूँ, नल रिलेशन, क्लियर है, बोलो भाई, चले आगे, यस सर, ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई पहली पहली चीज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे टोटल ये तो पता होना चाहिए रिलेशन बनेंगे कितने, तो मुझे पता लग गया 16 बनेंगे, मुझे ये समझ में आ गया डिनोमिनेटर में मेरा 16 आया, अब मुझे न्यूमरेटर के बारे में सोचना है, न्यूमरेटर में क्या लिखने हैं, फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, फेवरेबल आउटकम्स के लिए उसने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है भाई, उसने कहा है जो रिलेशन होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए, इसने गौर से देखो, इसने ज्यादा एलिमेंट दिए ही नहीं, ज्यादा एलिमेंट क्यों नहीं दिए, अगर ये ज्यादा एलिमेंट दे देता, मतलब जैसे दो दो दे दिए तो चार ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो ज्यादा इसलिए नहीं दिए क्योंकि बच्चे जब लिखने बैठेंगे तो ट्रांजिटिव में बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, सिमेट्रिक के लिए भी चेक करना पड़ता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे लाइक टाइम निकल जाएगा कि मैं चेक करता रहूंगा सिमेट्रिक है नहीं है, कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, तो बहुत ईजी सा दिया है, तो जल्दी से मुझे देखकर बता दो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे उन 16 में से जो सिमेट्रिक भी होंगे ट्रांजिटिव भी होंगे, जल्दी से। अच्छा रिफ्लेक्सिव के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, तो रिफ्लेक्सिव वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, तो बताओ भाई टोटल कितने बनेंगे जो ऐसे सिमेट्रिक होंगे ट्रांसलेट होंगे, लिख कर ही देख लो कितने बनेंगे भाई, मेरे ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में क्या क्या था, एक्स एक्स है, एक्स वाई है, वाई एक्स है और वाई वाई, तो तुम्हें इन्हीं में से कुछ ढूंढने हैं,
रिलेशन लिखने, आर वन आर टू आर थ्री, ऐसे कितने रिलेशन बना पाओगे जो कि सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी। भाई पहला क्या लिख दूं मैं, पहला सिर्फ एक्स एक्स लिख दूं चल जाएगा, वाई वाई लिख दूं चल जाएगा, जेड जेड लिख दूं चल जाएगा भाई, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि मैंने सारे नहीं लिखे। और जल्दी से बताओ फटाफट और क्या बनेगा भाई, दो भी ले सकता हूँ एट ए टाइम, एक्स एक्स के साथ वाई वाई ले लेता हूँ, वाई वाई के साथ जेड जेड ले लेता हूँ, क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा जेड कहाँ से आ गया भाई, सॉरी सॉरी जेड क्यों लिख दिया मैंने, जेड नहीं आएगा, कुछ बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो गया, जेड कहाँ से आ गया, जेड नहीं आएगा सॉरी। तो क्या बनेगा भाई, अच्छा एक्स एक्स और वाई वाई एक साथ नहीं लिख सकता, फिर तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और क्या बनेगा भाई जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी, एक्स एक्स के साथ क्या लिख दो, ऐसा लिख दो कि भाई सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांसिटिव हो जाए, बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो वाई वाई तो नहीं लिखना, लेकिन अगर मैंने एक्स वाई लिख दिया तो वाई एक्स भी लिखना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक रहे वो, ठीक है भाई? फिर अगर मैंने वाई वाई लिख दिया तो एक्स वाई लिख दिया तो वाई एक्स लिखना पड़ेगा साथ में ताकि सिमेट्रिक रहे, पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस यही बनेगी और कुछ भी बन सकता है। और एक ऑप्शन में पक्का ऐसा तो दिया होगा, 4/6 मतलब 1/4 ऑप्शन में दे रखा होगा, क्योंकि तुम्हारे चार तो मैं दिख गए बहुत इजीली और एक ऑप्शन लिखा हुआ 1/4, तो 1/4 ऑप्शन में बताओ टिक लगा दूं या अभी रुकूं सोचूं कि फेयर लॉ ऑफ यूनियन फाइन, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई कि सबसेट में एक फाई वाला रिलेशन भी होगा, और जो फाई नल सेट होता है वो भी हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, जैसे सिमेट्रिक की अगर डेफिनेशन, कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने फाई क्यों ले लिया, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो सिमेट्रिक कैसे हो गया बेटा? सिमेट्रिक ऐसे हो गया, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन है अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स को ढूंढो, वो होना चाहिए, अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर वाई एक्स को ढूंढने की जरूरत है, वो सिमेट्रिक होगा बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से ट्रांसिटिव होता है, ट्रांसिटिव में अगर ए बी है बी सी है तो फिर ए सी को ढूंढो, लेकिन अगर ए बी है और बी सी दिखाई नहीं अलग वाला तो फिर वो ट्रांसिटिव है बाय डिफॉल्ट। यानी अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं तो ये रिलेशन भाई ट्रांसिटिव है, क्लियर है सभी को? पर ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर है भाई? बोल दो भाई यस सर नो सर, यस सर, क्या आया सभी को समझ में? समझ में आ गया? तो जो फाई होगा वो समझ में आ गया, फाई को क्यों काउंट कर दें, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब अगर मैं को बोर्ड में डालूं तो बोर्ड में डाल सकता हूँ वाला क्वेश्चन, बताओ भाई डाल सकते हैं वाला बोर्ड पे क्वेश्चन, ये नहीं डाल सकते? नो सर। अरे भाई डाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं डाल सकते? जिस बच्चे सर हमारा थोड़ा हमारा स्टेट बोर्ड है ना तो इजी आता थोड़ा, स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव नहीं, मतलब इतना नहीं करते वो, सिंपल डालते हैं एडवांस इतना नहीं आता मेरे, लेकिन यार नॉर्मल बोर्ड में कुछ क्वेश्चन तो आता ही है, डिफिकल्ट ऐसा तो है कि सारे के सारे क्वेश्चन एवरेज इजी आते हैं, कोई 15 से 20 हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो उसमें कंफर्म होता है यही चीज होती है। अब जेई एडवांस का जो भी पेपर होता है उसमें भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि उसमें भी सारा का सारा टफ आता है, ऐसा नहीं होता। हाँ मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन कम है तो वो तो सब टफ लगेगा ही, लेकिन अगर प्रिपरेशन नॉर्मल जो बच्चा लाइक करता है अच्छी तरह से तो उसके हिसाब से अगर करो प्रिपेयर तो नॉर्मली देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैपिंग चलती है जो टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मॉडरेट होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जेई मेन से भी ईजी होते हैं क्वेश्चन, मतलब या उसी लेवल के लगाते हैं ऐसे होते हैं, तो वो भी 30-40% आते हैं, 30-40% हमारा एवरेज आता है और वही 25-30% टफ आता है, ठीक है? अच्छा अभी तो सभी को क्लियर हो गया भाई कि ए क्रॉस ए क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे देखे जाते हैं, और ए क्रॉस ए के सबसेट ही होते हैं जो रिलेशन बन सकते हैं, क्लियर है सभी को? यस सर। और भी बातें क्लियर हो गई कि पाई जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव क्यों है, तो जैसे मैंने अभी लिखा था सिर्फ एक्स वाई लिख दिया था, एक्स वाई को मैंने क्या बोला, एक्स वाई अगर किसी रिलेशन में लिखता हूँ ऑर्डर पे तो रिफ्लेक्सिव नहीं क्योंकि उसमें एक्स एक्स वाई वाई नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक्स वाई आ गया वाई एक्स नहीं लिखा मैंने, लेकिन ट्रांसिटिव है। अब ट्रांसिटिव में ये फिर वही वाली बात, सोचकर कंफ्यूज मत करना अपने आपको,
सर एक्स वाई है, वाई जेड वाला है ही नहीं, फिर कैसे मुझे ट्रांसफर। अगर एक्स वाई है और अगर वाई जेड भी होता तब मैं एक्स जेड चेक करता कि है या नहीं, अगर होता तो उनका ट्रांसफर, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर मैं चेक ही नहीं कर पा रहा कि एक्स वाई है और वाई जेड तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं बाई डिफॉल्ट बोल दूंगा ट्रांसफर, तो ये बात याद रखूंगा। ठीक है भाई, क्लियर। और ओके एक सर, क्वेश्चन देखो क्या आया था, हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन काउंट करा रहा हूँ, अगर लाइक चार पांच क्वेश्चन हो चुके हैं या छह क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मतलब मैं कम से कम दिखा रहा हूँ तो। हाँ बोलो, सर ऊपर की स्लाइड दिखाना एक बार, ये वाली इस ऊपर वाली ये वाली बोलो, कुछ गड़बड़ करती है ना। सर, रिलेशन फोर में एक्स एक्स थोड़ी ना है तो ट्रांजिटिव। रिलेशन फोर में मैंने सिमेट्रिक भी होना चाहिए था, ट्रांसिटिव भी होना चाहिए, फिर तो आर थ्री भी नहीं होगा भी, है ना। हाँ भाई, इन दोनों के हिसाब से तो ट्रांसिटिव नहीं है ना ये, बोलो भाई होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, यहां पर क्या लिखना चाहिए था इसके साथ, बताओ क्या लिखूं। मैंने उल्टा लिख दिया ना, क्या लिखना चाहिए भाई, बस यही दोनों लिखने चाहिए, ये दोनों तो एक ही हो गया। काउंट करो फिर बताओ भाई कितने आएंगे। ट्रांसिटिव का तो ध्यान ही दिया मैंने जल्दी जल्दी, बताओ भाई। अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, जैसे तावे ने बोला कि एक्स वाई है और वाई एक्स लिखा था मैंने, तो इसमें भाई एक्स एक्स भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ ट्रांसिटिव के लिए कंडीशन की वाली फॉलो होनी चाहिए। एक्स एक्स तो मैंने लिखा ही नहीं और एक्स एक्स लिख दिया, तो क्या ये अब बताओ ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक दोनों है या अभी भी कुछ गड़बड़ बाय बाय बाय। है। गड़बड़ क्या गड़बड़ है बताओ, नहीं अब कोई गड़बड़ नहीं, बताओ बताओ। अब चेक कर लो, है मैंने उल्टा लिख दिया, तो मैंने जहां पर अगर मैंने एक्स एक्स लिखा तो ये ट्रांसिटिव चेक कर लो, कैसे मैंने इसका चेक करा एक्स एक्स है, अब दूसरा कैसे चेक करोगे, उसके लिए सेम होगा इसके साथ, है ना। तो तुम क्या चेक करोगे कि ये ए है, ये बी है, ये बी ये सी, तो फिर ए सी चेक करोगे, ए सी कितना आएगा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स वाई तो है ना भाई, ठीक है। लेकिन यस लेकिन लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, वाई एक्स को अब चेक करा एक्स एक्स के साथ, अब लग रहा है देखो, मैं यही बता रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है कि भाई आराम से सोच लो, अभी ऐसा लग रहा है एक देख लिया तो है, तो हम यहाँ पर। अब मैंने उल्टा लिख ऐसे लिख लिया, वाई एक्स को पहले लिख दिया, इसको एक्स एक्स को ऐसे लिख लिया, अब देखो ऐसे ए बी बी सी, अब चेक करना वाई एक्स, क्या वाई एक्स है, हाँ ये भी है, क्लियर है भाई। तो दोनों तरह से मैंने चेक करा, तो अब बताओ ये ट्रांसिटिव सिमेट्रिक दोनों है या नहीं है। आपने देखो सर, वाई एक्स और एक्स वाई को अगर चेक करें। वाई एक्स को अब लास्ट एक बार चेक करना, बिल्कुल सही कहा तुमने, वाई एक्स को और वाई एक्स और एक्स वाई। y x और x y, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखा अभी इन दोनों में नहीं आ रहा भाई, क्यों, क्योंकि इस हिसाब से तो अगर मैंने उल्टा लिख के करा जैसे x x बोल दिया, अब क्या होगा भाई, ये दोनों के दोनों y कॉमा y तो नहीं है ना हमारे लिस्ट में, तो फिर भाई नहीं हो गए। तो फिर ढूंढो भाई जल्दी से फटाफट, और बताओ कितने बनेंगे, तीन तो बना लिया हमने, सिंगल सिंगल वाला और फाइव, और बताओ जल्दी से और क्या बनेगा, लेना उन्हीं से जो दिए मैं, तो और क्या बन सकता है, बताओ भाई। सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए दोनों, इन्होंने आंसर दिया हुआ है 5/16, 5 कहां से आ जाएगी, नहीं बनेंगे ना भाई, और कोई। अच्छा एक, हाँ यार एक चीज गड़बड़ हो गई, इसने ये तो बोला नहीं है ना इसने कि भाई रिफ्लेक्सिव होना हो, तो रिफ्लेक्सिव तो मैं बना सकता हूँ है कि नहीं, इसने ये तो ना बोला था कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये ठीक है भाई, बोलो भाई, इसने कहा था सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होना चाहिए,
पर ये नहीं बोला कि रिफ्लेक्सिव हो या नहीं हो, तो रिफ्लेक्सिव अगर बोला नहीं है, बस ये कंडीशन देखनी कि ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए, ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये वाली बात को हमने इग्नोर कर दी, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा था बस ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ये नहीं बोला। अब इस बात का मीनिंग जैसे पेपर में पढ़ते हैं तो कई बार हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बोला है, पर इस बात को आराम से सोच लो। क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो रिलेशन जो बनाए हम वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर ये बोला नहीं है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। हम कर रहे थे कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मेरी गलती थी, मैं ही गड़बड़ कर रहा था, मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बिल्कुल, है ना? तो क्या आएगा भाई, ये वाला भी आएगा और क्या आएगा, समझ गए क्या आएगा? सारे आ जाएंगे, है ना? क्लियर है भाई? 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर है सभी? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? 4 में 2 बार एक्स वाई लिख दिया। 4 में मैंने एक्स वाई 2 बार लिख दिया, नहीं भाई, मैंने एक्स वाई लिखा और वाई एक्स लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैंने, यहाँ तीसरे एक्स एक्स, हाँ यहाँ मैंने एक्स एक्स लिखना चाहिए। हाँ, मतलब सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, एक्स एक्स, वाई वाई, वाई एक्स एक्स, ठीक है बेटा? क्योंकि ये जो मैंने 4 रिलेशन लिखे हैं, अब ये कैसे लिखे मैंने, लास्ट के जो 2 लिखे हैं वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी, मतलब इक्विवेलेंस है, लेकिन जो पहले 2 लिखे हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस ट्रांसिटिव सिमेट्रिक चलेगा, और लास्ट वाला 5 जो है वो भी क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट ट्रांसिटिव सिमेट्रिक, क्लियर है सभी? ठीक है भाई, यस सर। तो क्वेश्चन मतलब एवरेज है, लेकिन होता है ना जैसे ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये एक बार देखने में इजी लगेगा कि भाई हम जो ले रहे हैं हम सही ले रहे हैं। ऑप्शन जल्दी से दिखा, हमें 4 बाय 16 यानी 1/4 हमने जल्दी से टिक कर दिया, या 5 बाय 16 दिखा, हमने जल्दी से टिक कर दिया, ठीक है? तो आराम से एनालाइज करना है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो यस सर। जल्दी जल्दी मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? मतलब सोचो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में, तुम कितनी गड़बड़ करके आओगे, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए कि आराम से क्वेश्चन को समझा, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है और ये पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो मतलब क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद अब ये देखना है तुम्हें कि टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को सोचने में टाइम लग रहा है, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यार 2, 3 मिनट बाद भी छोड़ दो, 3 मिनट के बाद ये ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यार 3 मिनट लग गए, अब तो 2 मिनट और लगा देता हूँ, क्योंकि 2 मिनट बाद गारंटी नहीं है कि कर लोगे, तो फिर वहां पे छोड़ देना चाहिए, क्लियर है भाई? और ये जजमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, जो मैंने बोला 1, 1, 2, 2 मिनट बचाने दो, क्लियर है भाई? यस सर। और जैसे मैंने 5, 6 क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम 7, 8 और क्वेश्चन ऐसे, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम कहोगे कि हाँ यार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मतलब निकाल पाएंगे, हमेशा ऐसा ही बनता है। तो बेटा मेरा जो टारगेट है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करो, मैं बोल कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब कोई नया टॉपिक वगैरह कुछ मत करो, जितना तुम्हें आता है वो ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रशअप कर लो चीजों को कि हाँ भाई सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, टिपिकल मतलब जैसे बोलते हैं ना टिपिकल क्वेश्चन, जो तुम्हें पता है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो और अपनी कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लो, जिस चैप्टर की तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ लिख लो उन्हें, रिवाइज कर लो, नोट्स पड़े हुए वीडियो लेक्चर्स हैं देख लो, क्लियर है? ठीक है, यस यस, चलो, थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।